एनआर बोल पड़ा, तुरंत अपना फील्ड सजाए, एक मिनट का समय है, प्लीज। अंजुमन अपने ओपनर भेज दे। प्रिंस मूवीज तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध है, तो हमें इंस्ट्रक्शन दे प्लीज। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए अकील और अबू जर, दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर इस वक्त अकील एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन और अबू जर एक क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर। दोनों टीमों का बारवा खिलाड़ी इस वक्त अन्ना भोपाल, अपना तुरंत 12वां खिलाड़ी भेज दे। मेरी गेंद डालने से पहले अगर कोई भी टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं आया तो 3 रन का पेनल्टी, इस बात को ध्यान रखे। तो मैच की शुरुआत दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर अकील और अबू जर। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला हम देखने को जा रहे हैं जहां पर युति का बनाम एसपी स्पोर्ट्स दापोड़े। एनआर फील्ड सजाए तुरंत प्लीज। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी तक, हमारे ग्राउंड अंपायर सुन ले प्लीज। इधर बोल पड़ा आज एकदम कंप्लीट साइट नजर आ रही, जहां पर योगेश, अभी प्रतीक, संतोष, संदीप, बिंदास, राजन, जहीर, आतिश, दोस्तों आज 27 फरवरी और मराठी भाषा दिवस है। महाराष्ट्र के सभी लोगों को मराठी भाषा दिवस की शुभकामनाएं। और हरीश पंड्या जब भी हमसे जुड़ेंगे आज आपको आंखों देखा हाल मराठी। तो काउंटडाउन की शुरुआत के साथ इस मैच की शुरुआत होगी।
गेमॉन का इशारा इस वक्त यैया खोत ने अंजुमन स्पोर्ट्स को ऑल्डो बेस कहा है पड़गा बोरवी से। यस, चेतन खारिक ने इस वक्त एनआर को ऑल द बेस कहा है और शंकर खारिक ने संतोष मंडवी फोकस अराउंडर जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खूब रहा है इस बाली ट्रॉफी में लाइट अमोर विकेट से बुजर के लिए। पहली गेंद विक्टर मैरिथी सम्मान देते हुए खेला डायरेक्ट हिट और यहां पर आउट। बड़ी विकेट गिरती हुई इस वक्त अखिल की। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आउट होके आए अखिल। गोल्डन डक पे कोई गेंद का सामना नहीं किया। मैच की शुरुआत इस वक्त होती हुई खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला ही विकेट रनआउट के रूप में आउट हुए अखिल। गोल्डन डक पे कोई गेंद का सामना नहीं किया। शून्य पे पहला विकेट गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई। 3 रन का पेनल्टी इस वक्त अंजुमन को दिया गया बैट फेंकने पर। सो बैक टू क्रिकेट नाउ न्यू बैट्समैन ज्वाइंड अबूजर। कामरान वन ऑफ द क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर। अबूजर अब स्ट्राइक पर है। इस बीच ऑफ ऑल की गेंद हवा में स्ट्रोक प्रति गेंद के नीचे और इस वक्त अब अबूजर भी आउट। चार्थ।
भारी विकेट। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे अबूजर, सस्ते में आउट हुए। दूसरा झटका लगा अंजुमन स्पोर्ट्स को, शून्य पे दो विकेटें गिरी अंजुमन की। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं ऑलराउंडर सिराज, जबकि सामना इरफान इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए। देखना है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और इस वक्त थोड़ी सी नाजुक स्थिति जरूर है। संतोष इस बीच गेंद ऊपरी सिरा, फिर से मौका, एक और विकेट। सोचा है ये कि तुम्हें बस ना बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें बस कर रहा हूं कि सेमीफाइनल के आगे न बढ़ने का कारण संतोष मडवी का टीम में शामिल नहीं होना था। वो क्या टीम में शामिल हुए हैं, मानो झड़ी लगा दिए पहले ओवर में। दो विकेटें हासिल की, एक निशाना मारा, कुल अंजुमन का खाता भी नहीं खुला और तीन विकेटें गिर चुकी है और तीनों बैट्समैन शून्य पे आउट हुए। बहुत ही गजब की शुरुआत नरेश माली फैम टीम एनआर बोरपारा की। अब सही सोच के साथ कप्तान जा रहे हैं शहबाज शेख, टीम के कैप्टन, क्योंकि उन्हें पता है यहां से विकेटों को रोकना है अंजुमन को। बड़ी विकेट, अगर स्कोर हम देखते हैं इस वक्त तो नवाब स्पोर्ट्स के कप्तान नवाब खान ने अंजुमन स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं, खाता नहीं खुला वहां पर। तीन विकेट, अभी तक खाता नहीं खुला वहां पर अंजुमन का और तीन विकेट गिर चुके हैं। पयाम शेख हमसे जुड़ते हुए, आपका इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। संतोष टू इरफान, इस बीच गेंदी में बल्ले से केवल पुश किया, वहां पर खेल दिया, देखना डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मिसफील्ड, एक रन से खाता खुलता अब जाके अंजुमन स्पोर्ट्स का। यस, शायद आई थिंक रिस्की सिंगल टेकन बाय इरफान शेख, वो फ्लिक दैट बॉल ऑफ हिज हिप्स एंड आई थिंक एनआर फुल्ली चार्जिंग हियर। संतोष मडवी द ट्रम्प कार्ड बॉलर क्लेम टू विकेट्स एंड वन बैट्समैन गेट्स रन आउट। देखना यहां पर अच्छी शुरुआत एनआर बोरपारा की हो चुकी है, लेकिन शहबाज एक क्लासिक प्लेयर है, एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, पावर प्ले में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और आज शहबाज को कुछ कमाल दिखाना होगा, कैप्टन इनिंग खेलनी होगी अगर अंजुमन को मैच जीतना है तो। डेविड बून की तरह बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ साइड भी उनका काफी स्ट्रांग है, ऑन साइड भी। संतोष टू शहबाज, भी फुल टॉस गेंद, खिलाड़ियों को मोड़ा, वहां पर कारपेट के सारे खेल दिया, एक रन से खाता खुलता शहबाज का, स्कोर इस वक्त दो रन। Yes, a nice push from Captain Shehbaz. He tucked away on the onside and threw for a single. So Anjuman, two for the loss of three wicket. Very shaky start here. The next match between SP Dapode and Yutika. Clash of Titans, Karan Patil fam team and Bharat Patil fam team. Santosh. इस बीच आ गया है केवल पुश किया, दिशादी इरफान ने एक रन से स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, तो इसी के साथ बहुत अच्छी शुरुआत एनआर बोरपारा की, एक ओवर की समाप्ति तीन रन। ये देखिए इरफान शेख बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, निकल के गेंद को पुश किया था एक रन के लिए, तीन रन तीन विकेट, बहुत खूबसूरत ओवर रहा था संतोष मडवी का। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2018, आप सभी का इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली अजमल नासिक कर शाहिद पापा और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। इस वक्त एक चीज है बाबेसर, अंजुमन के पास अच्छी गेंदबाजी है, अगर 50 प्लस 60 भी यहाँ पर हम बनते हैं तो एनआर के लिए कड़ी परीक्षा रह सकती है। जहाँ पर अभी तक अगर बल्लेबाजी में हम देखते हैं तो एजाज एक बहुत अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन है, हाशिम खान है, सिराज है, तो कई बैटिंग लाइनअप है जहाँ पर सैफ भी अच्छे बैट्समैन है। यस, आपने सही कहा, अंजुमन कम से कम 50 चाहेंगे क्योंकि उनकी जो ताकत है वो उनकी गेंदबाजी है। और इरफान शेख एक अच्छे क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर है,
इन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन देखना है दूसरी ओर लेके आ रहे हैं प्रतीक इरफान, उसका कितना फायदा उठाते हैं। पहली ओवर की समाप्ति पे सिर्फ 3 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट। इस बीच गेंद सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकाल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर, 4 रन। इज अ क्लासिक स्ट्रोक, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय में हम देखते हैं बाबा साहब जिस तरीके का उसी तरीके का स्ट्रोक। लुक एट दैट विद द स्ट्रेट पैट, ब्यूटीफुली प्लेट, firmly driven past the mid off all the way to the boundary for 4. He is a complete technique batsman and lot of depend on Irfan Sheikh as far as Anjuman Sports concern. Pratik is bhi jagah reverse stroke khelne ki koshish, wahan par choti gend thi, ek run score mein aur badhta hua, ek baar iska ishara, score is waqt 8 run। शहबाज अब देखना है, इस एंड से हवाएं भी काफी तेज बह रही है, क्या बहती हवाओं का लाभ उठाते हैं। अल्ताफ शेख एंड रॉबिन घरत फ्रॉम टेम्बोली, ऑल द बेस्ट फॉर एनआर बोरपाड़ा। शहबाज लॉट ऑफ डिपेंड ऑन शहबाज फ्रॉम हियर, अंजुमन नीडिंग वन मैन प्ले द एंकर रोल। शहबाज देखना है कैप्टन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। शॉर्ट गेंद दी में बल्ले से केवल पुश किया, इसका अलग की दिशा में सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया, एक ही रन से, एक रन से स्कोर अगर हम देखें तो 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, पावर प्ले की 3 गेंदें अभी भी बाकी है, मैंडेटरी पावर प्ले की 3 गेंदों में देखना है इरफान किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। प्रतीक इस बीच गेंद सीधा लॉफ किया और गेंद देखना है क्या बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार। अभी तक देखना है कि अंपायर क्या इशारा देते हैं वहां पर, क्या शॉट खेला ऑन द राइस, ये देखिए। इरफान शेख का वहां पे रहना मानो अंजुमन के सपोर्टर्स का झूमना, बढ़िया वापसी कर रही है अंजुमन स्पोर्ट इरफान शेख की बल्लेबाजी से, शहबाज शेख के एंकर रोल से। देखना अपनी जगह पे जा रहे अमित सालवी निर्णय देने के लिए। ये देखिए किस तरह से शॉट को अंजाम दिया था वहां पर, ये देखिए अब अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस का,
ये देखिए किस तरह से वो शॉट को खेला था वहां पर। आप पीछे जाते हुए अब दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है। ये दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। अब बहुत सुंदर टेलीकास्ट, ये देखिए क्या टेलीकास्ट है। आखिरी मोमेंट तक पोजीशन को दिखाया जा रहा है। छह रन अंपायर ने दिए, यस, क्योंकि साफ लगा था कि गेंद पीछे गिरी। हरनी है नखरा तेरा नी, हाई रेट गबरू नुमारे, हरनी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे बुलारे, हरनी है नखरा तेरा नी, हाई रेट गबरू नुमारे, हरनी मुंडे। यस, तीन तीसरे अंपायर ने बहुत नजदीकी से देखकर ये निर्णय दिया है। पर्दे को नीचे गेंद जाके टकराई थी, यही कारण था कि छह रन घोषित दिया है। खेल की शुरुआत की जाए दोनों टीमें, स्कोर इस वक्त 15 रन 15। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, देखिए पायनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और रेफरी का कहना है खेल तुरंत शुरू किया जाए, दैट्स ऑल। मैच शुरू करें प्लीज तुरंत, अनार बोल पड़ा कमेटी का कहना है, सो प्लीज कोऑपरेट करें। अयाम शेख को दिखाया जा रहा है वीआईपी डाइस पे, अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। इस सिक्सर की मदद से इरफान मैच में वापस खींचते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स को कुल स्कोर है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पॉइनियर के जितने वॉलेंटियर्स हैं सबको बाउंड्री पे जाना है प्लीज, जितने भी वॉलेंटियर्स हमारे हैं सबको बाउंड्री लाइन पे फैल जाना है चारों तरफ। प्रतीक तूफान भी बहुत अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, वहां पर फॉल थ्रो में कलेक्ट करने की कोशिश, 1 रन इस वक्त बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 16 रन लॉस ऑफ 3 विकेट अंजुमन। अब मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी गेंद है, देखना आखिरी गेंद पे शहबाज कितना फायदा उठाते हैं। मैंडेटरी पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ, इस बीजे गेंद समझ ही नहीं पाए वहां पर शहबाज, इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं मजर खान। सो एंड ऑफ द मैंडेटरी पावर प्ले, अंजुमन मेड 16 रन्स and they lost 3 wickets. Nihal Sheikh joined with us, Anjuman Nihal Sheikh, welcome Nihal Sheikh in Bali Trophy 2018. Do over ki samapti 16 run. Agli do teamon ko main awaaz dena chahunga aapko, Mushir Nachan Sadat Patel toss box mein aake baithna hai, Bharat Patil fam team Yutika ke captain
और एसपी दापोडे के कैप्टन करण पाटिल फैम टीम। खुशामदीत नियाल शेख, ऑन फील्ड अंपायर की मालूमात के लिए कि तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी, वी हैव अवेलेबल द फैसिलिटीज ऑफ थर्ड आई। तो दो ओवर की समाप्ति पर 16 रन अंजुमन स्पोर्ट्स, पहला ओवर लेकर आए थे संतोष मडवी जिन्होंने 3 रन दिए, उसके बाद प्रतीक पाटिल 13 रन, दो विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स। और इस बार लेट कट किया इरफान ने, 1 रन आता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन की मदद से स्कोर 17 रन पर पहुंचता हुआ। यहां पर हम ये देख रहे भाभी सर कि इरफान धीरे धीरे अपनी इनिंग को बना रहे और उनका बाखूबी साथ देते हुए शहबाज। लेकिन संतोष मडवी का पहला ओवर जिसमें 3 विकेट गिरी थी, दोबारा उनको लगाया गया है। शहबाज ने ऊपर आकर ये बता दिया है कि जो विकेटों की झड़ी लगी थी उसको रोकने की कोशिश अंजुमन के कैप्टन की। संतोष मडवी इस बार सामना करेंगे शहबाज और इस बार आगे निकलकर खेला, वहां पर एक बार फिर से धीमे बल्ले से खेलना चाहते थे। देखना है बहुत सुस्त वहां पर फील्ड होती है और इसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त इरफान और शहबाज की। कप्तान ने अपने आप को छोक दिया था, एक एक रन कितना कीमती है। ये शहबाज टीम के कैप्टन है, बहुत फाइटर क्रिकेटर है, डाइव करके अपने क्रीज में पहुंचे थे। बिल्कुल, मैंने अक्सर देखा है शहबाज को जब भी बल्लेबाजी करते अपनी इनिंग को पहले वो बनाते। इसके पहले जब बाली ट्रॉफी 2016 में पायनियर स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स का मैच रहा था तब भी उन्होंने अपनी इनिंग को पहले बनाया था। लेग बाय का इशारा था, 2 रन आए थे, उस 2 रन की मदद से स्कोर 19 रन। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। पहले मुकाबला में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी धनेश कोकसे ने। तो आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला रहेगा क्लैश ऑफ टाइटंस, युतिका स्पोर्ट्स वर्सेस एसपी स्पोर्ट्स दापोड़े। दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में बैठना है। उन्नीस रन इरफान इस वक्त बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए शहबाज टीम के कैप्टन। संतोष मडवी एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज शहबाज का। और इस बार बेहतरीन गेंद संतोष मडवी की, बिल्कुल विकेटों के बीच में रखा था, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स का शहबाज के रूप में। यॉर्कर था जिसपे कि आउट हुए शहबाज।
इसलिए तो क्रिकेट में कहा जाता है कि दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। तब अगले बल्लेबाज इजाज, बिल्कुल पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इजाज ने और उनके टीम के कैप्टन और उनकी टीम इस मुकाबले में उसी इनिंग की अपेक्षा करेंगे, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी बहुत ही अच्छी होती हुई अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर संतोष मडवी और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। यूतिका के कैप्टन और एसपी दापोटे के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स मुशीर नाचन और सादात पटेल में बैठना है। और इस बार आते ही साथ अपने इरादों को जाहिर किया, देखने वन बाउंस में गेंद को फील्ड करते हुए प्रतीक पाटिल और उसी बीच एक रन पूरा करते हुए इस एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 20 रन। पिछले मैच में एजाज ने सिक्सर का हैट्रिक लगाया था, काफी कुछ डिपेंड करता है जहां तक अंजुमन की बल्लेबाजी का ताल्लुक है। संतोष मडवी ने फिर साबित कर दिया है कि वो इतने सुपर डिपर ऑलराउंडर क्यों है और कितनी कमी थी एनआर में उनकी। और इस बार बढ़िया गेंद विकेटों के बीच में रखा था, एक रन पूरा करते हुए इरफान, तो कहीं ना कहीं भाभी सर इरफान और एजाज अब इनिंग को तराशते हुए, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज है हाशिम नुमान खान वो एक अच्छे बल्लेबाज है। इरफान शेख बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को मिडल बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनके साथी जब साथ छोड़ रहे हैं उनके पास दोनों क्षमता है, ऊंची बैकलिफ छोटी बैकलिफ दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लेट कट करते हुए देखना मिसफील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रन के लिए। पीछे हटे थे, लेट कट किया था, गली पे मिसफील्ड होता हुआ प्रशांत मात्रे से गेंद पीछे निकल गई, तेज आउटफील्ड पे चार रन। बिल्कुल भाभी सर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला था वहां पर एजाज, गेंद का इंतजार किया और लेट कट किया और मिसफील्ड होते हुए प्रशांत मात्रे से 25 रन। तो तीन ओवर की समाप्ति पर 25 रन अंजुमन स्पोर्ट्स। हमसे जुड़ते हुए टेनिस दुनिया की गोल्डन वॉइस हरीश पंड्या, मोस्ट वेलकम हरीश। वेलकम हरीश सर, सबसे पहले तो आपको मराठी दिवस बहुत बहुत शुभेच्छा आपको। और आज वैसे भी 27 फरवरी मराठी दिवस है और हरीश पंड्या जब माइक्रोफोन पे आएंगे तो आपको आंखों देखा हाल मराठी में सुनाएंगे जैसा कल उन्होंने अनाउंस किया था। जमीर पटेल डगआउट का मंजर दिखाया जा रहा है, अभी भी मैं समझता हूं कि 50 55 या 60 ये टोटल अगर बना लेती अंजुमन तो अंजुमन की जो गेंदबाजी है वो उनकी ताकत है। बिल्कुल भाभी सर, अंजुमन के पास जो गेंदबाजी है वह बेहतरीन गेंदबाजी है। तो पहली गेंद जहीर की विकेटों के बीच में रखा था, धीमे बल्ले से खेला है वहां पर इरफान ने, एक रन बना और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। तब तीसरे एम्पायर की तरफ चलते हैं हम, बिल्कुल अमित सालवी ने तीसरे एम्पायर को इनवाइट किया है, ऑन फील्ड अंपायर ने तीसरे एम्पायर की मदद ली, अमित सालवी ने, हमारे तीसरे एम्पायर है फारूक बर्डी। बहुत दूर रह गए थे वहां पे, आउट घोषित दिया है। चुरा लिया है तुमने जो
बहुत ही बड़ी विकेट, दुर्भाग्य तरीके से आउट हुए एजाज, बहुत बड़ी विकेट। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन रन आउट होकर आ रहे हैं और ये पांचवा झटका लगा अंजुमन को, स्कोर है 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अगला टॉस मैं दोनों कैप्टन से कहूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में रहना है। युतिका बनाम एसपी दापोडे, क्लैश ऑफ टाइटंस, और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मेरे दोनों साथी कमेंटेटर शाहिद खान और मजहर खान जाएंगे। और एक बार फिर से बेहतरीन गेंद वहां पर जाहिर की, एक रन आता हुआ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भाभे सर, जो रन नहीं बन रहे, दबाव इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वही कारण था कि एजाज रन आउट हुए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है लेकिन इरफान शेख एक सिरा संभाले हुए, अभी तक कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका एक सिक्सर उन्होंने लगाया है, कुल मिलाकर 17 पे। वन मैन आर्मी का रोल अदा कर रहे हैं, बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है इरफान शेख। इस वक्त वंजार पट्टी पे हमारा टेलीकास्ट नहीं जा रहा है। हमारे जो केबल ज्वाइंडर है, आपसे प्लीज आपको वंजार पट्टी तक टेलीकास्ट को पहुंचाना है। तो इस बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सैफ। और इस बार बाहर की जानिब खिलाया था, एक रन आता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 28 रन। तो जहीर भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस वक्त, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। लेकिन देखना इरफान जब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, इस बार आगे निकलकर खेला है। देखना है, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए आतिश पाटिल, एक रन पूरा किया और थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई और दूसरे रन के पलट चुके, अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन आते हुए इस गेंद पर 30 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर अंजुमन स्पोर्ट्स का। यहां पर इरफान की तारीफ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल एक छोर पूरा तरीके से संभाले रखा है उन्होंने। जाहिर एक बार फिर से सामना करेंगे इरफान का। और इस बार स्विच स्ट्रोक का लगाना चाहते थे, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और एक बार फिर से मिसफील्ड होती हुई। तो गेंदबाजी यहां पर एनआर की बहुत अच्छी हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फील्डिंग थोड़ी सी बिखरती हुई, दो रन आए इस गेंद पर, इस दो रन की मदद से स्कोर 32 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इरफान एक एक दो दो में अब अपने आप को और अपनी टीम को आगे ले जाते हुए। और इस बार डिफेंस कर दिया वहां पर इरफान ने, कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। तो चार ओवर की समाप्ति होती हुई और कुल रन बने हैं 32। तब टाइम आउट होता हुआ, जब खेल शुरू होगा हमारे साथ रहेंगे सिद्दीक भाभी सर। ये आप देख सकते हैं राजू, बहुत ही खूबसूरत सनग्लासेस में महबूब गौरी, जुबैर भाई, रमीज रईस। सो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चलता हुआ, मैं आज के मैचेस की रूपरेखा आपको देता चलूं। अगला मैच भरत पाटिल फैम टीम युतिका बनाम करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोडे। एक तरफ मजबूत बल्लेबाजी तो एक तरफ मजबूत गेंदबाजी। उसके बाद एक और कड़ा मुकाबला मयूरेश बनाम सोना देवी टीमगर, संजय मात्रे फैम टीम और दिनेश चौधरी फैम टीम। उसके बाद आज का सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं अहमद फकी और अल्ताफ
बाली फैम टीम पाइनियर और हबीब अंसारी फैम टीम भी इंडियन, उसके बाद धनेश कुकसे और रमनिक होली। इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम आज देर रात आखिरी मैच खेलेंगे। ये मैचेस की रूपरेखा है। चार ओवर की समाप्ति पे अंजुमन ने बना लिए 32 रन, मगर यहाँ से दो ओवर में अंजुमन चाहेंगी कि 20 के ऊपर बने और एनआर चाहेंगे कि 20 के नीचे रखा जाए। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत मुकाबला आप देख रहे हैं। बिल्कुल भाभी सर, अगर यहाँ से अंजुमन स्पोर्ट्स 20 रन बनाती है तो हम कहेंगे कि एक अच्छा मुकाबला, क्योंकि अंजुमन के पास बेहतरीन गेंदबाजी है। सैफ है, शारिम है, अबुजर है और सिराज, ये बेहतरीन गेंदबाज है। चारों के चारों गेंदबाज बेहतरीन है और हम ये कह सकते हैं अच्छा मुकाबला देखने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनआर की बात करें तो उनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज है। संतोष मडवी पूरी तरह से फॉर्म में है और उनके साथ प्रतीक पाटिल, आतिश पाटिल, बिंदास, योगी, सभी अच्छे बल्लेबाज है। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट खत्म होता हुआ बाली ट्रॉफी 2018 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गोल्डन वॉइस हरीश पंड्या भी हमसे जुड़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं रमीज रईस और कयाम शेख, मैच रेफरी रमीज रईस। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, एंड ऑफ द फोर्थ ओवर। अंजुमन में 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इज गोइंग टू बी प्रशांत मात्रे ब्रॉट इन टू द अटैक एंड फेसिंग हिम बैट्समैन सैफ शेख। इरफान शेख प्लेड अ टेरिफिक नॉक हेल्प ऑफ 16 ऑन अ बाउंड्री। बैटिंग पावर प्ले टेकन नाउ सिग्नलिंग फ्रॉम अंपायर विलास जाधव। Our voice is not available in Gaibi Nagar on Triple S. Please, we request the Triple S control room because voice is not available in Gaibi Nagar. Prashant Matre, beautiful bowling action, facing him batsman Saif Sheikh. There's a short fine leg man at Deepish Gali. Batting power play going on. NR, please cooperate us as far as time concerned. Prashant Matre, right arm round wicket, goes past us. Goes to Saif, fine delivery, best batsman, best wicket keeper. And ball is racing all the way to the boundary for a by 4. Yeah, so lucky run just over the stumps, corridor uncertainty, and ball is racing between two fielder for 4. Welcome boundary for extra. Welcome boundary for Anjuman Sport. 36 for the loss of 5 wickets. We are in over number 5 and batting power play progress. Prashant Matre, right arm round wicket. Mazar. This time try to play in front of the wicket. Thick outside edge rose to short third man and they threw for one. So one more to total now. Score moves up to 37 for the loss of 5 wickets.
Prashant Mhatre. Now, right arm over the wicket, facing him. The man resistant, the polling against N.R. Borpara. So far he played a patient knock. He's on 21. Terrific batting from Irfan Sheikh. Prashant. Goes to Irfan, nasty bouncer. What a delivery. And there is a miss the opportunity, run out opportunity from Prashant Mhatre. Because Saif Sheikh looking for a runs. Halfway on the wicket. But this one was a beauty. One for the over, signal from umpire Vilas Jadhav. That was a nasty bouncer. Here goes Prashant Mhatre. Right arm over the wicket. Facing him, Irfan Sheikh. Goes to Irfan, slow one, beauty. This one was a beauty. And Irfan tried to pull it, wasn't a short delivery. Beautiful ball, beautiful ball. Slow one, sharp in cutter. It has been a great bowling from Prashant Mhatre, class bowling. Prashant Mhatre, right arm over the wicket. Goes to Irfan Sheikh, try to lift. They threw for a cheeky single. Ball is traveling to short leg. Inner edge of the bat and traveling to short leg. So one more to total. Now his score moves up to 38 for the loss of 5 wicket. Anjuman winning a toss and batting first here. You are watching the second match in Bali Trophy 2018. Prashant Mhatre, right arm, round a wicket. Saif Sheikh on strike. Burst to Saif, piss in the air. They threw for a cheeky single. What a running. Ball is not far from the wicket by signal from umpire. It has been outstanding running between the wicket by these two, especially Irfan Sheikh. That marks end of the fifth over. Not enough total on the board as far as daylight concern. Anjuman 39 for the loss of 5 wickets. पांच ओवर 39 रन. ये देखिए रन चुरा लिया वहां पर. बिंदास लसने से गेंद बहुत करीब थी. युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन भरत पाटिल फैम टीम और करण पाटिल फैम टीम, एसपी दापोडे के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है. नंदेश खारिक भी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत है. चेतन खारिक भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के लिए जहीर आए गेंदबाजी के लिए. सामना करेंगे सैफ शेख. जहीर की गेंद इस मरतबा दूर रही थी वाइट. हालांकि बल्ला जरूर चलाया था वहां पर बैट्समैन सैफ शेख ने. लगा तो मटका नहीं तो झटका. स्कोर 40 पे पहुंचे अंजुमन स्पोर्ट्स का 5 विकेटों के नुकसान पर. हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इरफान शेख. शहबाज शेख ने आउट होने से पहले 2 बनाए. अकील खाता नहीं खोल पाए. अबूजर खाता नहीं खोल पाए. कामरान खाता नहीं. इस मरतबा लॉब कर दिया गया इनको लॉन्ग ऑफ पे. लॉन्ग ऑन पे 6 रन सैफ शेख ने. ये देखिए गजब का फॉलो थ्रू और ये सिक्सर, मच नीडेड सिक्सर जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो आता हुआ अंजुमन के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अंजुमन का 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर.
जाहिर दूर वाले छोर से आते हुए ओ बीमार, और ये देखिए रन भी छुड़ा लिया, नो बॉल बीमार, वेस्ट हाइट के ऊपर थी और फ्रीट। इरफान शेख को देखिए, इतने तेजी से तो कोई किसी का दिल नहीं चुराएगा जितने तेजी से वो रन चुरा रहे हैं। बिल्कुल भाभे सर, अपने रन तो दौड़ रहे, साइफ की भी रन दौड़ रहे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे, पूरी इनिंग को इस वक्त उन्होंने तराशा है। और एक अच्छा बैट्समैन वही है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है। फ्री हिट है अंजुमन 48, यहां से अगर अंजुमन ने 7 रन और बना लिए तो फिर अंजुमन की गेंदबाजी में बहुत धार है। बढ़िया गेंद, आउट कटर थी, फायदा नहीं उठा पाए, पहले ही अपने आप को कमिट कर चुके थे पीछे। बिल्कुल बेहतरीन गेंद रही वहां पर जाहिर की, बाहर की जानिब निकाला था इस गेंद को और इरफान शेख घूमकर खेलना चाहते लेकिन गेंद उनको घुमाती हुई। अभी भी 4 गेंदे बची है आखिरी ओवर की, जहीर के आंखें जम चुकी है, इरफान शेख की आंखें जम चुकी है, साइफ शेख की, और अंजुमन को जो टोटल चाहिए उसकी तरफ बढ़ती हुई। फुलटास गेंद भेज दिया है, 6 रन, नो बॉल, दूसरा बीमार। अब जहीर इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। राकेश पाटिल आपका हार्दिक स्वागत है, आपसे निवेदन है आपको हमारे मंच पे आना है। दापोटे के सरपंच करण पाटिल भी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत। ये देखिए आखिरी ओवर, मानो कब्र खोद रहे हैं टीम की, 2 बीमार किए, अब दूसरा फ्रीट मिला है और कुल रन 7 रन से ऊपर चले गए 55। अभी भी 4 गेंदे बची है, ये 4 गेंदे बहुत निर्णायक हो सकती है मजहर खान। बिल्कुल भाभी सर, कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी जहीर ने की है वो बहुत ही खराब गेंद, आपने एक बीमार गेंद डाल चुकी है, तो अब उसके बाद आप किस तरह। मैं तो अक्सर कहता हूं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लेकिन यहां 2 करेले और दोनों नीम चढ़े थे। 55 रन, 55। इरफान शेख इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते, अब देखना है फ्री हिट है भाभी सर। 55 रन, आतिश पाटिल आए हैं जहीर के ओवर को पूरा करने के लिए, अब दर्शकों की तादाद बढ़ गई है। जहीर ने 2 गेंदों में 16 रन देके बाउंड्री पे जाके खड़े रह गए, क्या मुकाबला हो रहा है। आतिश पाटिल, ओहो गेंद को पुल कर दिया, 1 रन बना। ये देखिए प्रतीक पाटिल को पता था कैच नहीं है, फ्री हिट है, ये अच्छी सोच है, प्रिपेयर, पहले अपने आप को तैयार किया था वहां पर। बिल्कुल भाभी सर, जब आप मैच खेल रहे हो, इतना बड़ा मैच खेल रहे हो, तो अपने माइंड को यहाँ पर खुला रखना होगा, वही किया प्रतीक पाटिल ने। यस, छोटी गेंद थी, थोड़ा लेट नहीं खेला था, लेकिन आतिश पाटिल भी सोचते होंगे कि पगार लेके पहले ही चले गए थे वहां पर जहीर और काम पे लगा दिया उनको, फ्रीट करने के लिए आतिश पाटिल आए थे। अब 3 गेंदे बची है, स्कोर है 56 रन। अगला टॉस दोनों कैप्टन को बैठना है। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है फील्डर प्रतीक पाटिल के पास, कोई गलती नहीं, आउट हो गए सैफ शेख। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, बाजे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी, यदि साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। मेरी महबूबा महबूबा, नए बैट्समैन, बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन, जिन्होंने बी इंडियन ट्रॉफी में सिक्सर से मैच को समाप्त किया था, आशिम खान बल्लेबाजी को आए हैं, लेकिन देखना उनको स्ट्राइक मिलता है या नहीं, क्योंकि साहिबा बता रहे हैं कि आखिर की 2 गेंदे बची है, लेकिन एक अच्छा टोटल बना लिया है अंजुमन ने, जहां एनआर की बल्लेबाजी को टेस्ट कर सकते हैं।
इस मरतबा गेंद को खेला है डाउन द ग्राउंड, चार रन, क्या शॉट खेला है, अफलातून स्ट्रोक, चाबुक स्ट्रोक। यहाँ तो उखड़े उखड़े तो एनआर के कैप्टन बिंदास लसने होंगे जिस तरह से आखिरी ओवर चल रहा है। सुमित सालवी हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल बाबिस सर, इस वक्त इरफान शेख बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगला टॉस होने जा रहा है, एसपी दापोडे बनाम युति का, और टॉस को अंजाम देंगे शाहिद खान और मजहर खान। अब गर्म मुकाबला और गर्म धूप के साथ हम आपका गर्म इस्तकबाल कर रहे हैं। आतिश चले गए दूसरे मोहल्ले में वाइट 61 रन। मजहर खान अब एनआर की मजबूत बल्लेबाजी की परीक्षा रहेंगी गेंदबाजी अंजुमन की तरफ से। इस मरतबा छोटी बैकलिप से गेंद को खेल दिया है, एक रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं पूरा करते हुए। तो अंजुमन ने कुल 63 रन बनाए, 64 की चुनौती। आइए अगले टॉस की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। खेलने वाली टीमें युति का और एसपी दापोडे, और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे दोनों कमेंटेटर मजहर खान और शाहिद खान, जबकि युति का बनाम एसपी दापोडे सबसे बड़ा मुकाबला, और दो बड़े कमेंटेटर टॉस को अंजाम देने के लिए टॉस बॉक्स में जा रहे हैं, मजहर खान और शाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। तो 63 रन बनाए अंजुमन स्पोर्ट्स ने 64 रनों की चुनौती। आज हमारे बीच में युतिका के कर्ता-धर्ता भरत पाटिल जी के भाई नवनाथ पाटिल जी है। मैं टॉस के लिए उनसे गुजारिश करूंगा। तो दोनों कैप्टन बड़े टीम के इस वक्त बिल्कुल तैयार, सूरज खेनी और आतिश भामरे। हमारे मैच रेफरी रमीज रईस को मैं आवाज देना चाहूंगा। यहां पर कयाम शेख जी, आपको भी आना है टॉस के लिए। नवनाथ पाटिल जी, भरत पाटिल जी के छोटे भाई, और कयाम शेख जी, मैच रेफरी रमीज रईस, सभी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। एक बड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष इस वक्त होने जा रहा है, जहां पर एक तरफ है एसपी दापोडे करण पाटिल फैन टीम और एक तरफ भरत पाटिल फैन टीम युतिका। बिल्कुल शायद क्लैश ऑफ टाइटंस, दोनों टीमें बढ़िया टीम है, एसपी दापोडे और युतिका स्पिरिट्स। तो ये सिक्का हम आपको बताते हैं, एक तरफ बाली ट्रॉफी और एक तरफ है पोनियर स्पोर्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, डिसिप्लिन का
सबसे बड़ा नाम और एक तरफ बाली ट्रॉफी, वेणी का वर्ल्ड कप, बाली कप। नवनाथ पाटिल जी के शुभ हाथों से इस वक्त टॉस करने जा रहे हैं। पॉनियर कहना इस वक्त एसपी दापोड़ के कैप्टन का, और मैच रेफरी बता रहे कि इस वक्त आया है बाली ट्रॉफी। बतौर यादगार इस वक्त ये सिक्का हम देते हुए नवनाथ पाटिल जी से सूरज केने, उन्हीं की टीम के कैप्टन को, और ये गिफ्ट एम्पायर मुशीद नाचन स्पॉन्सर कयाम शेख जी के शुभातों से, और रोलेक्स मेडिकेयर का एक खूबसूरत बैग फहद अलवी मनसब मुल्ला जी इनकी देन देते हुए सूरज केने। थैंक यू नवनाथ पाटिल जी एंड थैंक यू कयाम शेख एंड थैंक यू रमेश राइस। सबसे पहले एक बड़ी टीम के कैप्टन, पिछला मुकाबला कड़ा संघर्ष, एक चुनौती का मुकाबला रहा था सूरज। अब यहाँ पर दिन की रोशनी में आपको मुकाबला खेलना है, फ्लड लाइट में हमने आपका मुकाबला देखा जो काफी फाइट रहा था। टॉस जीता है, क्या कहना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय इसके लिए कि आपकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है या फिर आप कम से कम में रोकना चाहते हैं एसपी दापोड़े को? उनकी बैटिंग लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन हम दोपहर का टाइम है तो चेसिंग करना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए हम चेसिंग करेंगे। युतिका हर वक्त टॉस जीती है, चेसिंग पर ज़्यादा निर्भर करती है, हमने देखा है। इसी कारण है कि कैप्टन सूरज केनी ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एक चीज़ है, अब यहाँ से जो मुकाबले हैं वो टॉप गेयर में चल रहे हैं, यहाँ से अब जो टीमें मिलने वाली है वो सभी टॉप क्लास की टीमें हैं। हम ये अपेक्षा करें कि युतिका अपना 100% जाने जा रही है और एक अच्छा क्रिकेट खेलने जा रही है? हाँ बिल्कुल। हर वक्त सूरज केनी अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इस मुकाबले में भी अपना अच्छा 100% देंगे सूरज केनी? मैं तो अपना 100% जरूर दूंगा, लेकिन पूरी टीम से यही उम्मीद रहेगी कि वो अपना 100% दे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे इस मैच में। ओके थैंक यू सूरज। आतिश आपने टॉस हारा है, सामने वाली टीम ने आपको इनवाइट किया है पहले बल्लेबाजी के लिए, ये बताइए पहले बल्लेबाजी करते हुए आप कितने रन बनाना चाहेंगे? सामने वाली टीम के पास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है, सामने वाली की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है तो 70 के ऊपर ही जाना चाहेंगे। और बिल्कुल पिछले मुकाबले हमने देखा सुनील पाटिल और कुणाल दोनों ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन जो दूसरे बल्लेबाज है उससे आप किस तरह की उम्मीदें रखेंगे और आपके परफॉर्मेंस से क्या उम्मीद रखेंगे आपके दर्शक? उम्मीद तो सभी बल्लेबाज से है, बस टीम के लिए खेलना जरूरी है और टीम के लिए रन बनाना जरूरी है। और ये बताइए कि बाली ट्रॉफी का इतना बड़ा आपने सफर तय किया, किस तरह से इंजॉय किया बाली ट्रॉफी को आपने? बहुत अच्छा फील होता है बाली ट्रॉफी खेलने से। एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा आतिश से कि पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें जीता एसपी दापोड़ ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे अब प्री क्वार्टर का मुकाबला है युतिका स्पोर्ट्स से, आतिश पटेल का एसपी दापोड़ अपना नेचुरल क्रिकेट खेलेगी यहाँ पर और अपना 100% देगी? हाँ सर बिल्कुल। क्या बाली ट्रॉफी में आप पिछले साल जब मराठा पंजाब में खेले थे आपने इस कप को जीता था, इस साल भी आतिश पटेल इस कप को जीते जा रहे हैं आतिश भामरे? हाँ सर, अभी पिछले साल तो मराठा पंजाब से खेल के फाइनल जीते थे हम लोग, तो इस साल भी फाइनल तक पहुँचने की चाहत रखेंगे। ओके थैंक यू सूरज खेनी युतिका के कैप्टन एंड थैंक यू एसपी दापोड़ के कैप्टन आतिश भामरे। टॉस जीता युतिका स्पोर्ट्स ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय बॉल फर्स्ट सूरज खेनी। थैंक यू ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सिद्धू बाबू सर। थैंक यू शाहिद खान एंड देखिए मैं अंजुमन को थैंक्स कहूंगा, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और हमारे मैच रेफरी रमीज रईस की तरफ से। उन्होंने अपने सपोर्टर से कहा है कि अच्छे खेल की सराहना करें और आप शांति से खेल को देखें, इसके लिए मैं शहबाज, पूरी अंजुमन टीम, नियाल शेख, आपको मैनी मैनी थैंक्स। ये शहबाज हैं जो क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना हमेशा 100% देते हैं। मैनी मैनी थैंक्स अंजुमन स्पोर्ट और अंजुमन के ऑडियंस, आपका स्वागत है। आप शोर करें, हल्ला करें, अपनी टीम का सपोर्ट करें, लेकिन बाली ट्रॉफी की जो शान है, जो आपकी भी शान है, शहर की शान है, सिर्फ अल्ताफ बाली या पायनियर की नहीं बल्कि भिवंडी तालुका और टेनिस क्रिकेट की शान है, इसको आप कायम रखें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। मैनी मैनी थैंक्स अंजुमन। तो खेल की शुरुआत और इनिशियल ओवर में आज मराठी भाषा दिवस पे पहली मर्तबा कमेंट्री के लिए आ रहे हैं हरीश पंड्या।
खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे. बाली ट्रॉफी 2018 उपस्थित सर्व क्रिकेट प्रेमी बांधवांचं मनपूर्वक स्वागत. मराठी भाषा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपण बघत आहात हा सामना आणि काउंटडाऊन. तर सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत आहे जे मैदानामध्ये उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे जे प्रेक्षक आपल्या घरी बसून हा सामना बघतायत त्या सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. यूट्यूबवर बघणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं पाठीराख्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सर्वांना कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्ताने पूर्ण जगभरात साजरा करण्यात येणारा मराठी भाषा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 27 फेब्रुवारी आजचा दिवस धन्य आहे महाराष्ट्रासाठी. आणि हा सामना NR बोरपाडा आणि अंजुमन स्पोर्ट्समध्ये रंगला आहे. 64 धावा करायचे 36 चेंडूमध्ये. पहिले 2 षटक पॉवर प्लेचा खेळ असणार आणि पहिलाच चेंडू केल्यानंतर खाली पडले होते. साईफ शेख यांचा पहिला चेंडू. फलंदाज आहेत ते. यस हरेश, आपकी मालूमात के लिए के कांगालिक मुंबई अंडर 19 के वो गेंदबाज हैं सैफ शेख. बहुत खूबसूरत आर्मर गेंदों का इस्तेमाल करते हैं. बीच बीच में चाइनामैन केतन आणि संदीप आताचा चेंडू हळुवारपणे खेळून 1 धाव पूर्ण केली आहे NR बोरपाडाच्या आघाडीच्या फलंदाजाने. फक्त जेंटल पुश करून ती 1 धाव काढली होती. आजचा पूर्ण दिवस मलाही अभिमान आहे. मराठीमध्ये समालोचन करत असताना महाराष्ट्राच्या मायभूमीसाठी काय करू शकलो तर मला खरोखर आनंद होईल. आणि आजच्या या दिवशी आमचे सर्व पंच, समालोचक, गुणसंख्या लेखक, फोटोग्राफर, कॅमेरामॅन, DJ सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. साहेब शेख अतिशय चांगला लूप दिला होता मात्र त्यांनी लेग स्टंपची लाईन ठेवली होती आणि अतिशय चांगला असा हा चेंडू निर्धाव जातोय. बघा कुठल्या पद्धतीने हा चेंडू टाकला होता. लेग स्टंपच्या बाहेरून आत वळणारा 1 धाव. पुढील चेंडू फुल टॉस होता मात्र अगदी आरामात त्या चेंडूला खेळून 4 धावा. अप्रतिम टायमिंग. धावसंख्या झाली 5. यस शेफ साहेब शेख पिचिंग अ फुल टॉस डिलिव्हरी and nicely put away, tucked away in vacant area right of opposer. Couple of bounces, ball is crossed the mid wicket boundary for 4. आम्ही अंतकरणापासून आभारी आहोत आमच्या सर्व पुरस्कर्ते यांचे. मक्की पटेल, जुनैद पटेल, महबूबुर रहमान अन्सारी म्हणजेच बबलूभाई हबीबभाई यांचे धाकटे भाऊ, हाजी जलालुद्दीन शेख MJ फॅब्रिक्स यांचा विशेष आभार. आताचा हा चेंडू हाफ ट्रॅकर होता मात्र जबरदस्त वळतोय. टर्न आणि बाउन्स सैफ शेख यांचं नियंत्रण बोटांवरती एवढं चांगलं आहे. आणि याचबरोबर लेगबायचा इशारा पंच विलास जाधव यांचा मार्फत. बॉलर एंडला विलास जाधव आहेत, स्ट्रायकर एंडला अमित साळवी आहेत आणि फैज रईस हे तिसरे पंच म्हणून कामगिरी पाहत आहेत. धावसंख्या पुढे सरकते आणि पोचते ती 6 वर. आताचा चेंडू डावखुरा फलंदाज आणि मिसफील्ड झालंय. जिथे एकही धाव असायला पाहिजे नव्हती तिथे 2 धावा. सैफ शेख आपलं संतुलन कुठेतरी बिघडतंय की काय ते बघतायत. पायामध्ये जे तुम्ही शूज घालता ते कसले शूज आहेत? राईट काइंड ऑफ शूज असायला पाहिजे म्हणजे जे जेव्हा तुम्ही शूज घालून गोलंदाजी करता फलंदाजी करता याचं महत्त्व असते. तर धावसंख्या झाली 8 आणि पेनल्टीचे 3 धावा ॲड करून आता धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर झाली आहे ती 11. म्हणजेच 53 धावांची गरज आहे उर्वरित 5 षटकांमध्ये. बिलकुल आरेश, हे मुकाबला मुझे लग रहा है जिस तरह की ताकत गेंदबाजी की है अंजुमन की और जिस तरह बल्लेबाजी की ताकत NR की है ये बहुत ही अच्छा बैटर रहेगा. तो बिल्कुल 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रन हुए थे और जो 3 रन पेनल्टी के थे अब उसमें ऐड होते हुए तो कुल मिलाकर 11 रन. आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. दयानंद चोरगे साहेब, इरफान अदीस अन्सारी, भरत जांगलानी, न्यू प्रीत मोटर्स,
त्याचप्रमाणे महापौर जावेद दलवी साहेब, असफर बोलिंजकर, गॅस सेफ महबूब घोरी यांचा विशेष आभार, आणि त्याचबरोबर आपल्यामध्ये शुभागमन होतोय अल्ताफ बाली या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळली जाते ते अल्ताफ बाली यांचं आगमन झालंय. आम्ही खूप खूप आभारी आहोत मांगीलालजी पालीवाल मॅगी यांचा, त्याचप्रमाणे आफताब बबलू बिल्डर यांचा विशेष आभार आहे. तेवढंच नव्हे तर योगेश भोईर ज्यांनी ओपन कॅटेगरीचे आम्हाला बक्षीस स्पॉन्सर केले त्यांचा विशेष आभार. तकवीन आझमी भत्तू, शकील कबाटवाला आणि त्याचप्रमाणे महबूब गोरी यांचा विशेष आभार आहे. अबुजर हाजी समद सेठ टोकाकडून मारा करतायत डाव्या हाताने राऊंड विकेट असायचा हा चेंडू हवेमध्ये आणि टोलावून मारायचा प्रयत्न होता. अफलातून टायमिंग आणि चेंडू मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी. देखणा असा फटका आणि हा फटका मारण्याचा बहुमान जातोय तो संदीप यांना. बिलकुल विथ स्पिन शॉट को खेला था, हाफ वॉली पे लिया था, आंखों के नीचे शॉट को खेला और गेंद हवा से बातें करती भी इस वक्त लॉन्ग ऑफ पे. हमारे बीच जुड़ चुके हैं द मैन क्रिएट हिस्ट्री, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अल्ताफ बाली. अल्ताफ बाली यांचं हार्दिक स्वागत आहे. मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट्स यांच्याकडून पूर्ण भिवंडीकरांना, पूर्ण महाराष्ट्रातील जनताला, पूर्ण भारतातील जनताला आणि जे मराठी बंधू भगिनी आज भारताच्या बाहेर स्थायी झालेले आहेत त्यांना सुद्धा मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बिलकुल सही, जो ओव्हरसीज में है, जो दुनिया के हर कोने में. भव्य स्वागत या षटकाराने. धावसंख्या पोचली होती 17 47 धावांची गरज. द्वितीय षटक मार्गस्थ संदीप पोचले 10 चेंडू ज्या सामोरे गेलेत. परत एकदा चांगला चेंडू होता मात्र बॅटची आतली काडा घेऊन जातोय तो फाइनलेगच्या दिशेने, ज्याला क्रिकेटमध्ये सरे कट किंवा हॅरो ड्राईव्ह म्हटलं जाते. आणि या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 18 बिनगडी बाद. बघा कुठल्या पद्धतीने हा चेंडू टाकला होता, फ्लाईट जास्त दिली होती, हेलिकॉप्टर उडवायचा प्रयत्न होता. बिलकुल अरेश आनमर किया था वहां पर जो स्टॉक गेंद रहती है. अबुजर यांचा पुढील चेंडू, 2 पावलं पुढे येऊन ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता. मिडॉन येथे चेंडू थांबवला जातोय. धावसंख्येत एका धावीची भर पडते. आता धावसंख्या झाली 19. दोन्ही फलंदाज परिस्थितीला समरूप होऊन खेळायचा प्रयत्न करतायत. आम्ही खूप खूप आभारी आहोत खासदार कपिल पाटील यांनी, ज्यांचा परिवार यांनी भरपूर सहयोग दिला आहे. त्याचप्रमाणे आमदार महेशजी चौगले यांचा विशेष आभार, रवी सावंत यांचा विशेष आभार. अतिशय चांगला द्रुतगतीचा चेंडू, यष्टी वेदक गोलंदाजी, यष्ट्यांच्या वरून निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. एक्सलंट बॉल, एक्सलंट बॉल फ्रॉम अबुजर, वी सीन द एरर ऑफ द सरफेस. चांगली गोलंदाजी अबुजर यांच्या मार्फत द्वितीय षटक संघाचं. 6-6 षटकांचे सामने, 4 गोलंदाज तुम्हाला वापरावे लागणार. 2 गोलंदाजांना जास्तीत जास्त 1 आणि 2 गोलंदाजांना जास्तीत जास्त 2 षटकं टाकण्याची मुभा राहणार आहे. आताचा रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि धावायची गरज नाही आहे. चेंडू सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. Beautifully played, beautifully played with the spin, switch it past the backward point, racing all the way to the backward point boundary for 4. Most welcome, most welcome Altaf Bali joined with us in Bali Trophy today. आम्ही खूप खूप आभारी आहोत जमीर पटेल यांचं, ज्यांनी प्लेयर्स पॅव्हिलियन स्पॉन्सर केलंय. मॅजिक बॉक्सचे पुरस्कर्ते आमचे सर्व पुरस्कर्ते दिनेश चौधरी ज्यांनी स्वर्गीय मोहन शेठ चौधरी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलं आहे. त्याचप्रमाणे तनिष्का आनंद नायडू, विकासजी बाफना, इमाम अन्सारी, सिद्धेश कपिल पाटील, अनवर निर्बान, अनिल गायकवाड आणि रिझवान शेख मॅजिक बॉक्सचे पुरस्कर्ते यांचा विशेष आभार आहे. आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2018 11 दिवस. पुढील चेंडू, परत एकदा रिवर्सचा फटका आणि अगदी आत्मविश्वासाने बॉम्बेवाला सराफच्या बॅनरवर तो गगनचुंबी षटकार. कैलकुलेटेड स्विच हिट खेला है और बाउंड्री को गेंद
बॉम्बे वाले सराफ के बैनर से टकराती हुई 6 रन, गजब का शॉट। श्री 420 म्हणजे मला आठवतंय राज कपूर म्हटलं की म्युझिक शंकर जयकिशनचं असायचं आणि गाणी मुकेश गायचे, परंतु राज कपूरचं हे सर्वात फेमस गाणं मन्नाडे यांनी गायलेलं आहे आणि अजरा अमर असं गीत मराठी कलावंतांनी सिनेसृष्टीला जबरदस्त कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय। दादासाहेब फाळके यांना आज विसरून चालणार नाही, आज कवी कुसुमाग्रज पु ल देशपांडे यांना विसरून चालणार नाही, धावसंख्या झाली 29। अरे अच्छा, मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत बढ़िया रिप्लाई हम देख रहे हैं, 29 रन हुए और कोई विकेट भी नहीं गिरा, सबसे बड़ी बात है। नवीन षटक घेऊन येतोय तो शारिम, हा अतिशय चांगला गोलंदाज, लांब लचक त्याचा रनअप आहे डाव्या हाताने ओवर द विकेट, पहिला चेंडू आणि बघा कुठल्या पद्धतीने त्या चेंडूला फेकून दिलाय मैदानाच्या बाहेर, गगनभेदी षटकार। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक का, ये देखिए छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे वहां पर और हरकत में बरकत है, ऐसा लग रहा है कि केतन के पास शॉट खेलने के लिए बहुत समय है, जिस तरह से पुल किया था उन्होंने मैजिक बॉक्स लेट मोहन चौधरी के पाई और वाइटी स्मिथ विकेट पर 6 रन। अगला मुकाबला भरत पाटिल फैम टीम युति का, वन द टॉस डिसाइडेड टू द फील्ड फर्स्ट अगेंस्ट एसपी दापोडे। नक्कीच आज मराठी भाषा राजभाषा दिवसाच्या निमित्ताने खरोखर एक जल्लोषाचं वातावरण आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये। शारिम यांचा पुढील चेंडू, परत एकदा टोलावून मारायचा प्रयत्न आणि सरळ सोपा झेल यष्टी रक्षकाच्या हातात देऊन परत आहेत। हमारे डीजे मैन सुमित वो गीत के साथ मराठी के शुरुआत करते हुए जो मराठी भाषा दिवस पे मराठी भाषा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, मी ढोलकर 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 दरियाचा राजा। म्हणजेच 5 चेंडूमध्ये 10 धावा कुठून बाद होतोय केतन, आणि महाराष्ट्र म्हटलं की मुंबई ठाणे पालघर याची आठवण येते आणि त्याची आठवण आली की भूमिपुत्र आगरी कोळी बांधव यांची आठवण येते आणि जे कोळी गीत आहेत जे गायलेले आहेत आज एकापेक्षा एक सरास, म्हणजे मी तर म्हणेन महाराष्ट्राची लावणी आगरी कोळी गीत पंजाबचा भांगडा गिद्दा हे जर तुम्ही ऐकलं तर नक्की तुम्ही डान्स केल्याशिवाय राहू शकणार नाही, अशी गाणी आहेत एकापेक्षा एक सर्रास गाणी। यस, लता मंगेशकर आशा भोसले इन्होने मराठी के जो सॉन्ग गाए वो लाजवाब है। तेवढंच नव्हे तर उषा मंगेशकर म्हणा, मीना मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, एकापेक्षा एक कुमार गंधर्व आज ज्यांची आठवण येते आपल्याला, असा मराठी साहित्याने भरभरून दिलं वर जगाला। यस, मन्नाडे। तर आता पुढील चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर असणार आणि पंचविलास जाधव यांनी या चेंडूला अवांतर घोषित केलं वाईड म्हणून, 1 धाव इथे धाव फलकावर जमा केली जाते साहेबाद्वारा, धावसंख्या पोचलीती आता। सुरेश वाडेकर इन्होंने हिंदी का वो गाना गाया था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सकी हुई, अतिशय छान गाणी। आजचा फुल टॉस चेंडू होता, मात्र परत एकदा बॅटची कडा घेऊन जातोय आणि 1 धाव इथे मिळते ते नवीन फलंदाज संतोष, संतोष आहे ना,
आता संतोष आलाय. संदीप मडवी स्ट्राइकवर होता. मडवी ब्रदर्स सिदिक मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा मडवी ब्रदर्स यांचा बोलबाला आपण बघितला होता आणि या सामन्यामध्ये कुठेतरी दोघेही भाऊ ज्यांच्यावर जबाबदारी. हमारे बीच में बहुत ही मशहूर उद्योगपति और युतिका के करता धरता भरत पाटिल जी जुड़ गए. आपका हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2018 में. धाव संख्या 37 आणि याच बरोबर धावांचे इमले रचणारा फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे असा फलंदाज संतोष मडवी षटकाराने सुरुवात करतोय. ये 79 बैट्समैन बने, 82 का रिकॉर्ड है सिक्सर से खाता खोलने. क्या शॉट खेला है अल्ताफ पैलेस में. ये संतोष मडवी है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि एनआर सेमी के आगे जो नहीं पहुंच रही है उसमें संतोष मडवी की कमी है. बड़े मैच के खिलाड़ी, मैच विनर. 43 धाव झाले, गडी बाद झाला एक. पुढील चेंडू बॅटची काढा घेऊन हवेमध्ये राहतोय. यष्टी रक्षकांनी प्रयत्न नक्की केला होता परंतु पोचू शकले नाहीयेत आणि एक अजून एक्स्ट्रा धाव ते खर्च करतायत. मात्र याची काही गरज नव्हती. या दोन धावींनी संतोष मडवी पोचतायत 8 वर आणि संघाने नेऊन ठेवलंय 45 वर 18, म्हणजे 19 धावांची गरज आहे अजून सामना जिंकण्यासाठी. तर मित्रांनो, मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा. कई दर्शक भी हमें मैसेज कर रहे हैं मराठी भाषा दिवस की हार्दिक शुभेच्छा के लिए. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. शारिम यांचा पुढील चेंडू, अल्ताफ पॅलेस टोकाकडून मारा आणि आता हा फुलटॉस चेंडूवर एक धाव अगदी आरामात पूर्ण करतायत. धावसंख्या पोचली ती आता 46 या धावसंख्येवर. 46 फॉर दी लॉस ऑफ वन विकेट, 46 एक गडी बाद. आणि जागतिक मराठी दिनाच्या निमित्ताने एक कविता इथे सांगू इच्छितो. लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक मानतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, बोलतो मराठी ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी मानतो मराठी, सन्मान मराठीचा अभिमान महाराष्ट्राचा. आणि चतुर्थ षटक जेव्हा सुरू होईल तेव्हा धावतं समालोचन घेऊन येतील माझे जवळचे मित्र आणि मोठे भाऊ सिद्धिक बाबे. धन्यवाद हरेश. बिलकुल, मैं मराठी के बारे में शब्द मराठी मराठा से बने और शब्द की लफ्जी मानी हम देखते हैं तो मरणार पण हटणार नाही. ना महाराष्ट्र से ना इस देश से कभी भी मराठी भाषा हटेंगी नहीं. इसलिए हरीश पंड्या आज उस दिवस पे आपको आंखों देखा सुना रहे. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. एंड ऑफ द थर्ड ओवर. आई थिंक दिस इज द पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम नरेश माली फैम टीम. 46 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. नाउ 3 ओवर्स आर लेफ्ट एंड अनदर. एटीन टू विक्ट्री, रन टू बॉल इक्वेशन. वीआईपी डाइस भरत पाटिल द फेमस युतिकाज स्पॉन्सर ज्वाइन विथ अस. राकेश पाटिल इज देयर, कयाम शेख. वेलकम ऑल ऑफ यू इन बाली ट्रॉफी 2018. बैटिंग पावर प्ले टेकन. दिस इज द एब्सोल्युटली राइट डिसीजन बिकॉज एनआर वॉन्ट टू रिलीज द प्रेशर. ट्रिपल एस पे कई इलाकों में हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है. ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से मेरी रिक्वेस्ट है कि गैबी नगर और कई इलाकों में हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही. प्लीज़ हमारे प्रिंस मूवीज आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि उनके फाइबर को एक बार आपको चेक करना है. आउटपुट दीपक मडवी हमसे जुड़ते हुए हार्ट ऑफ पीवनडी. उनके लिए बाली ट्रॉफी अच्छा नहीं रहा. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. इज गोइंग टू बी मरता क्या ना करता सैफ शेख प्रॉट इन टू द अटैक. बॉस दिस टाइम ट्राई टू माइटी फ्लो
over the stumps well collect by wicket keeper and there were no runs. Two brothers on the middle, Santosh Madvi, one of the great all-rounder in Taluka cricket since from 20 years, Santosh Madvi and Rushi Patel. This time beauty, sharp turn is there, turn and bounce and plain miss. Saif Sheikh यांच्या हातामध्ये एक जादू आहे, आपला बोटांची जादूगरी ते दाखवत आहेत आणि कुठेतरी व्यवस्थित रित्या त्यांचं इथे फुटवर्क बघायला मिळालं नाहीये. This time played in the air, oh, it's dropped. Dropped by Sharim, I think. That was a rocket catch, but dropped by Sharim. Sweeped as ball. सरळ सोपा झेल होता, मात्र कुठेतरी त्यांना माहित नव्हतं की हा चेंडू माझ्याकडे येऊ शकतो, मात्र तिथे कुठेतरी खेळाडूंची अग्निपरीक्षा असते, चेंडू कुठूनही कधीही केव्हाही कसाही येऊ शकतो. Saif trying very hard. This time beauty, another turning delivery, excellent bowling and cheering from the crowd, the supporters of Anjuman. He ball bang on target, he ball in channel, he ball in corridor uncertainty. Saif Sheikh, ball this time try to switch it. Another dot ball. Harish, what do you think? It has been a wonderful bowling from Saif Sheikh. मला कुठेतरी असं वाटतंय Saif Sheikh मडवी यांना ताता थैया नाचवतोय आणि मला मराठी गाणं आठवते, नाच रे मोरा, ते गाणं आता लक्षात आलं. Saif Sheikh this time use his feet once more in trouble and what a excellent overturn from Saif Sheikh. He given me only one run in previous over. It has been a wonderful in batting power play. He given me only one run. This is a one of the best over of the Bali Trophy. नक्कीच फक्त बाली ट्रॉफी नव्हे तर 2018 चा पूर्ण वर्षातला हा एक चांगला षटक आहे. So the strategic time out going on. Siddiq, just तुम्ही विचार करा, चार ओवर में 47 रन हुए, अब दो ओवर में कितने चाहिए? 17 रन. मैच में वापस खींच लिया है Saif Sheikh ने. जर तो झेल शारिम ने घेतला असता तर विकेट मेडन झाली असती, मात्र आणि ती विकेट मेडनने अंजुमनला खूप पुढे नेऊन ठेवलं असतं. असो आताही सामना काय हातातून निसटलेला नाही आहे आणि दोन्ही मडवी ब्रदर्स यांच्यासाठी काहीतरी सल्ला घेऊन त्यांचे 12वे खेळाडू तिथे पोहोचले. लेकिन आरेश, गुजरे हुए पल को याद करने से बेहतर है आने वाले पल को याद किया जाए. ना नक्कीच इथे कुठेतरी दोन्ही फलंदाजांना पराभव टाळण्यासाठी शर्थीचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. परत एकदा सर्व मराठी बांधवांना जागतिक मराठी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही परत एकदा आभारी आहोत मक्की पटेल, जुनेद पटेल, महबूबुर रहमान अन्सारी म्हणजेच बबलूभाई, हबीब अन्सारी यांचे धाकटे बंधू, हाजी जलालुद्दीन शेख, एमजे फॅब्रिक्स, दयानंद चोरगेजी, इरफान अदीस अन्सारी, न्यूप्रीत मोटर्स चे भरत जांगलानी, महापौर जावेद दलवी, गॅस सेफचे असफर बोलिन्सकर, महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर, मांगीलाल पालीवाल मॅगी, आमचे लकी ड्रॉचे पुरस्कर्ते आफताब बबलू बिल्डर यांचा विशेष आभार, खेळाडू कक्षाचे आमचे पुरस्कर्ते जमीर पटेल यांचा विशेष आभार, आमचे मॅजिक बॉक्सचे जे पुरस्कर्ते आहेत दिनेश चौधरी, स्वर्गीय मोहन सेठ चौधरी यांचा स्मृतिप्रित्यर्थ मॅजिक बॉक्स, तेवढंच नव्हे तर तनिष्क आनंद नायडू मॅजिक बॉक्स, विकास बाफना मॅजिक बॉक्स, इमाम अन्सारी मॅजिक बॉक्स, सिद्धेश कपिल पाटील मॅजिक बॉक्स, अनवर निर्बान मॅजिक बॉक्स, अनिल गायकवाड मॅजिक बॉक्स, रिझवान शेख भिवंडीवाला डेव्हलपर्स हा सुद्धा मॅजिक बॉक्स इथे बनवण्यात आलेला आहे. आम्ही आभारी आहोत आमचे ओपन क्रिकेटमधले खुल्या फेरीतले आमचे पुरस्कर्ते योगेश भोईर, तक्वी नाजमी भुत्तू, त्याचप्रमाणे शकील कबाटवाला आणि महबूब गोरी यांचा विशेष आभार, खासदार कपिल पाटील आणि त्यांचा पूर्ण परिवार आणि कुटुंबियांचा विशेष आभार, आपले आमदार महेशजी चौगुले आणि त्यांचा सर्व जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा विशेष आभार, रवी सावंत जे अल्ताफ बालीचे खूप जवळचे मित्र आहेत त्यांचा सुद्धा खूप खूप आभार आहे. ए बी अल्ताफ बालीचा लोगो तुम्ही बघत आहात, बाली ट्रॉफी, अल्ताफ इमाबुद्दीन शेख ज्यांना तुम्ही बाली म्हणून ओळखता, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब
हा क्लबने जे गरुड झेप घेतली आहे त्यात अल्ताफ बाली यांचा नक्कीच सिंहाचा वाटा आहे. संदीप मडवी 12 चेंडूमध्ये 21 आणि संतोष मडवी 6 चेंडूमध्ये 10 धावांवर खेळत आहेत. देखिए यहाँ पर एनआर के बहुत से ऐसे इतिहास हैं जहाँ पर इस तरह के मैचेस ज़्यादातर उन्होंने जीते भी हैं और ज़्यादातर हारे भी हैं. शारिम को गेंदबाजी दी गई है. युवा गेंदबाजों में शारिम, हिमांशु, एसपी दापोटे के, आकिब, बी इंडियन के विवेक शेलार, बंटी के, ये वो गेंदबाज हैं और मोहिल जॉली के. इस मरतबा शुरुआत वाइट से करते हुए ये पांच युवा गेंदबाज है हरेश, जो तालुका क्रिकेट में युवा गेंदबाजी में अपना कोई सानी नहीं रख रहे. यहाँ पे समझा रहे हैं वहां पे जाके इरफान शेख के, इस स्थिति में आपको क्या करना है. 12 गेंदे 16 रन. शारिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, संतोष को करारा ड्राइव, गेंद पर झपटे अबूजर, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो सीधा स्टंप्स पे, एक रन. अब हर गुजरती गेंद के साथ इस मैच का जो क्लाइमेक्स है वो बढ़ता हुआ और थ्रिल कमबैक जो है बाली ट्रॉफी का, ये थ्रिल की तरफ ही हम बढ़ रहे. 11 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. सामना अटीतटीचा रंगतदार स्थितीमध्ये नेऊन ठेवलाय. आता दोन्ही मडवी बंधू यांच्यावर पूर्ण आशा आहेत. शारिम मुर्तेवे, संदीप को फुल टॉस गेंद, लॉब कर दिया है. ओ हो बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई. 6 रन. ये देखिए ये खूबसूरत समा तो अंजुमन के लिए नहीं रहा. हालांकि अकील ने जो कोशिश की थी, मेरा अपना मानना है, रिले कैच के लिए फेंकना चाहते थे इरफान की तरफ. चेंडू घेऊन जायचा मैदान मध्ये पंच शाहिद मोमीन. इथे बघा, तो एक चांगला षटक साहेब शेखने टाकलं आणि इथे एक स्वैर चेंडू आणि हिशोब बरोबर झालेला आहे. म्हणजेच क्रिकेट हा फलंदाजाचा खेळ आहे, गोलंदाजांना मार्जिन ऑफ एरर त्रुटीसाठी अजिबात जागा नसणार आहे, कारण शेवटचे दोन दिवस आता शिल्लक आहेत बाली चषक 2018 चे. ये देखिए दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है, आपके लिए मौका है. गुलाबी पर्दे के पीछे कैच पकड़िए और गुलाबी नोट 2000 का पाइए. एक बात है हरेश, हालांकि अकील वहां पर इरफान से कह रहे थे कि जब कैच आया था आपको करीब आना चाहिए था, इस तरह के कैचेस में संतुलन नहीं रहता है, आप रिले कैच बना सकते हैं. नक्कीच, मला कुठेतरी असं वाटतंय की झेल जरी झाला नसला तरी सिद्दीक, मला कुठेतरी वाटतंय त्यांनी जर षटकार थांबवलं असता ते सुद्धा संघासाठी फायदेमंद ठरू शकले असते. परंतु हे बघा, मोशनमध्ये हे सर्व पराक्रम करणं सोपं नाही आहे. त्याने प्रयत्न केला, प्रयत्नाची पराकाष्ठासाठी मी त्याला सॅल्यूट करू इच्छितो, सलाम करू इच्छितो. अगला मॅच क्लॅश ऑफ टायटन्स, युतिका एक कप जीत चुकी और एसपी भी एक कप जीत चुकी. शारिम की गेंद, कवर ड्राइव करना चाहते थे बल्ले पे, पूरी तरह नहीं, ये बल्ले का मुंह घूम गया, खराब फील्डिंग वहां पर कप्तान शहबाज शेख की, संतुलन नहीं रख पाए, दूर से बैकअप किया फील्डर ने, 3 रन बना लिए बैट्समैन ने. अब हम कह सकते कि एनआर थोड़ी मजबूत पकड़ हासिल करती हुई, स्कोर है 58 रन. आता बघा सिद्दीक भाऊ, मागच्या षटकामध्ये जेव्हा सैफ शेख गोलंदाजी करत होता तेव्हा एखादा वाणीच्या अकाउंटंट सारखा तो कंजूस होता, धावसंख्या देत नव्हता, आणि आता या षटकामध्ये अचानकच गोलंदाज मला येस बँकचा कॅशियर वाटायला लागलाय. क्या अरे आपको लगता नहीं था कि अबूजर जो स्पिन गेंदबाजी करते उनको 5वा ओवर देना चाहिए था? नक्की करू शकले असते, मात्र आता परिस्थिती जी आहे ती खरोखर गंभीर आहे. मात्र कुठेतरी सामन्यामध्ये परत आलेला आहे हा संघ येणार बोरपाडाचा, आणि अजूनही सामन्याचं भवितव्य काय आम्ही सांगू इच्छित नाही, परंतु मडवी बंधू यांनी जबरदस्त झुंज दिलेली आहे या सामन्यामध्ये.
खास करून साहेब शेखचं जेव्हा षटक होतं तेव्हा असं वाटत होतं अंजुमन अंजुमन अंजुमन, आणि आता कुठे वाटतं एनआर एनआर एनआर। क्या बात आहे, बहुत खूबसूरत गेंदी पिछली जिस पे कोई रन नहीं बना। शालीम मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को आसमानी सुल्तानी शॉट वीआईपी डाइस पे अल्ताफ पैलेस में 6 रन। सिदिक भाऊ, तुमच्या माहितीसाठी या सामन्यामध्ये 6 षटकांमध्ये 64 धावांचा पाठलाग करत असताना 6 षटकार मारण्यात आले। एक षटकार केतननी मारला, 3 षटकार जे होते संदीप मडवी आणि 2 षटकार संतोष मडवी, म्हणजे 6 चेंडूमध्येच त्यांनी 36 धावा कुठून घेतल्या होत्या। आणि इथे कुठेतरी आता असं वाटतंय की केतन जो होता त्यांनी पहिला षटकार मारून एक चांगली सुरुवात करून दिली आणि एक रस्ता बनवला होता। त्यात संदीप मडवीने मारलेले ते 3 षटकार होते त्यावर डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरण झालं, आणि संतोष मडवीने मारलेले 2 षटकार जे होते त्यावर विजयाचा हायवे तयार झाला। आणि त्या हायवेवर आता एन आर बोरपाडाची गाडी सुसाट चाललेली आहे। अभिनंदन। हमारे रमीज रईस, आपको थोड़ी देर के लिए हमें हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है। हमारे मैच रेफरी रमीज रईस, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी छिलके, नरेश माली, चेतन खारिक। अंजुमन के इरफान शेख, आपको जाना नहीं है, हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रुकना है। तो आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। मेरा साथ निभाने जा रहे हैं हरीश पंड्या। सो वंस मोर मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन नरेश माली, बंटी छिलके, नंदेश खारिक, चेतन खारिक एंड शंकर खारिक। हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट, हार्ड लक नियाज शेख, कैप्टन शहबाज शेख। हरीश, आपको प्रेजेंटेशन में आना है प्लीज। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे जिन्होंने रंग भर दिया बाली ट्रॉफी में। विराज पाटिल इंटरप्राइजेस, इंपैक्ट एचआर प्राइवेट लिमिटेड, हाजी स्टार कूलर, पूर्वा कंस्ट्रक्शंस, विहान मित कुमार, रोलेक्स मेडिकेयर, अमर गोल्डन एंड सागर ट्रेडर्स, एसएस टूर्स एंड ट्रेवल्स, न्यू प्रीत मोटर्स, शेख डिटर्जेंट एंड कंपनी, विक्रम क्लासिक टी, तनिष्का एंटरप्राइजेस, एक्रेलिका टू, जमीर एंटरप्राइजेस, सशक्त साइजिंग, अमन ग्रुप, स्माइली किड्स, बालाजी डेवलपर्स, शिव ग्राफिक्स, भिवंडी वाला डेवलपर्स, रोलेक्स मेडिकेयर, बोबडे ट्रेडिंग कंपनी, पटेल एंड कंपनी पीईबी सॉल्यूशन, बॉम्बे वाला सराफ, ओ टू लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, गैस सेफ, मुरुनमई लिफ्टर्स, गोरी फोम सेंटर, एम जे फैब्रिक, हबीब टेक्सटाइल्स, मिडवे पार्क रिसोर्ट, मीत फाउंडेशन। थैंक्स आवर ऑल स्पॉन्सर, दे गिव अस आउटस्टैंडिंग सपोर्ट इन बाली ट्रॉफी।
आजचा दिवसाचा दुसरा सामना आताच संपला आहे. सर्व प्रेक्षकांना आणि पूर्ण भारतीयांना आज मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या या अति महत्त्वाचा बक्षीस वितरण सोहळ्यामध्ये मी आमंत्रित करू इच्छितो भरतजी पाटील, किशोरबाई, विपुलबाई, सर्वेशबाई, नेहाल शेख, हाजी जुबैर मोमीन, राकेश पाटील, नवनाथ पाटील, सनी नाईक, सुनील गोरे, रामबाई, रुपेशबाई आणि दीपक मडवी या सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपण इथे बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी आमच्यामध्ये उपस्थित व्हायचं आहे. दीपक मडवी आपण इथे यायचं आहे. काही दिवसापूर्वीच नवीन केक शॉप सुरू केलं आहे. सिद्दीकबाई मला कुठेतरी असं वाटतं की उद्या दीपक आपल्यासाठी दोन पेस्ट्री घेऊन येणार. यस लागे तू एक बार अगर इसकी आदत लग गई तो फिर आप खाते रहेंगे. मोस्ट वेलकम. या सर्व मान्यवरांचा मी हार्दिक स्वागत करीत आहोत. सुस्वागतम भरत पाटील जी. बहुत दिनों के बाद भरत जी आपण मध्ये उभं राहायचं आहे. सर्व मराठी बांधवांना आज मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज अभिमानाचा दिवस आहे, मानाचा दिवस, सन्मानाचा दिवस, लाडाचा दिवस आणि मराठी साहित्याला आज खूप मोठं स्थान मिळावं असे कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आइए दोस्तों शुरुआत हम करने जा रहे कैच ऑफ द मैच. इसे स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी फॉर्म ने, जो आपके घरों को रखे खूबसूरत फर्नीचर से उम्दा. महबूब गौरी की देन. और कैच ऑफ द मैच है संदीप मडवी. मी विनंती करणार आहे सनी नाईक यांना की त्यांनी हे पारितोषिक द्यायचं आहे. संदीप मडवी तुझं अभिनंदन. बहुत बहुत मुबारक. दोस्तों आइए अगली पायदान पे हम कदम रख रहे हैं. क्या सीन है नहीं बल्कि क्या शॉट है. शॉट ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय करेश क्रिएशन. खिलाड़ियों की पोशाक का नंबर वन नाम करेश मात्रे. खिलाड़ी का नाम है इरफान शेख. इरफान शेख कम फॉरवर्ड प्लीज. मी नवनाथ जी पाटील यांना विनंती करणार आहे. आपला शुभ हस्ते करेश क्रियांचं हे गिफ्ट टेम्पर तुम्हाला या खेळूला द्यायचं आहे. मैंने मैंने हार्ड लक इरफान. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आपने की, आपके साथियों ने की. एक अच्छा टोटल था और अंजुमन की जो ताकत है उनकी गेंदबाजी में थी. क्या लगता है कि पांचवें ओवर में हालांकि शारिम बहुत अच्छी गेंदबाजी करे उनकी जगह अबूजर को लाना चाहिए था या क्या लगता है मैच कहाँ से खसक गया आपके. नहीं ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सारिम भी अच्छा बॉलर था, अबूजर भी अच्छा था. तो सारिम को हमने सोचा कि पेस की वजह से वो बॉल निकाल लेगा और हवा का एंड था, बॉलर को चांस बहुत कम था. लेकिन जितनी फेमस आपकी गेंदबाजी थी उतनी नहीं हुई, इस बात को आप मानते. हाँ ये जरूर बॉलिंग में हमारी थोड़ी कमी हुई, थोड़ा बॉलर लोग वो हो गए थे. बाली ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया. नहीं काफ़ी अच्छा लगा. अल्ताफ अली को मैं बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, हर साल ऐसे ही कराते रहे और हम लोग खेलने में मौका मिलते रहे. मैंने मैंने हार्ड लक. आइए दोस्तों पायदान है बाली सुपर फोर. इसे स्पॉन्सर किया है हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने और रोलेक्स मेडिकेयर ने. खिलाड़ी का नाम है, दो बहुत खूबसूरत चौके लगाए. फिर से आइए संदीप मडवी. संदीप मडवी तुझं अभिनंदन परत एकदा. भरतजी पाटील यांच्याकडून हबीब टेक्सटाईल यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे अतिशय सुंदर फॅब्रिक. युतिका संघाचे सर्वेसर्वा भरतजी पाटील आणि त्याचप्रमाणे विपुलजी पाटील यांना मी विनंती करणार आहे. रोलेक्स मेडिकेअरचे फात दलवी आणि मनसब मुल्ला यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला हे किट बॅग आपल्याला देत आहे अभिनंदन. आइए दोस्तों बाली सुपर सिक्स की तरफ हम कदम रख रहे हैं. इस इनाम को स्पॉन्सर किया है फकी बुटीक और अमर और गोल्डन ट्रेडर्स उस्मान मेमन उर्फ मामू ने. एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, सूरज क्या आसमान में निकला है और संदीप जमीन पर है. आइए फिर से संदीप मडवी.
संदीप यांनी परत एकदा यायचं आहे. संदीप आजचा दिवस तुझा आहे. सर्वप्रथम निहाल भाई यांच्याकडून फकी बुटीकचा आहे गिफ्ट हॅम्पर आणि राकेशजी पाटील यांच्याकडून उस्मान मेमन मामू यांच्याकडून देण्यात येणारा हे रिस्ट वॉच. आई एम सबसे बड़ी पायदान पे हम कदम रख रहे हैं. बाली मैन ऑफ द मैच इसे स्पॉन्सर किया है. गैस सेफ कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुनिजकर और अफसानवी शख्सियत मेयर जावेद दलवी साहब. इसमें ढेर सारे इनामात रहते हैं. आपने कल अरे सही कहा, मैन ऑफ द सीरीज किसी टूर्नामेंट का लेना और बाली का मैन ऑफ द मैच. एक्झॅक्टली. मला कुठेतरी असं वाटतं मी जर भिवंडीमध्ये राहायला असलो असतो तर मी सुद्धा खेळलो असतो. यस, घर घ्यायला पाहिजे आता. लेकिन गलती नाही करना चाहिए तुमने और मैंने, क्योंकि ऊंट का पार के नीचे आना अच्छा नहीं रहता है. तो आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं. खिलाड़ी का नाम है बैक टू बैक दोनों हाथों में लड्डू, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि वो नहीं थे तो एनआर नहीं चली थी सेमी के आगे. वो है सुपर डीपर ऑलराउंडर, 17 रन और 3 विकेट और 17 रन बनाए संतोष मडवी. संतोष मडवी तुझं अभिनंदन आहे. आज मडवी परिवारामध्ये आनंदाचं जल्लोषाचं वातावरण आहे. संध्याकाळी पुरणपोळी किंवा श्रीखंडाचं जेवण असणार आहे. या संतोष मडवी सर्वप्रथम नवनाथजी यांच्याकडून मॉडर्न टॅलेंट कम्प्युटरचा हे कम्प्युटर एज्युकेशन कोर्सचा डिस्काउंट वाउचर आहे. दीपक मडवी एकेकाळचा बादशाह याचकडून आर आर एज्युकेशनचा हे 3000 रुपयाचं स्कॉलरशिप वाउचर आहे. त्याचप्रमाणे निहाल भाई यांच्याकडून रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेलं 50% वनौषधीचं गिफ्ट वाउचर डिस्काउंट वाउचर आहे. राकेशजी पाटील यांच्याकडून एक गिफ्ट टॅम्पर आहे. युतिकाचे सर्वे सर्वा भरतजी पाटील यांच्याकडून कॉर्पोरेटर लव्वाबाई यांनी पुरस्कृत केलेलं हे घड्याळ आहे. रामभाऊ यांचा शुभ असते. आता आपण अजून एक गिफ्ट टॅम्पर त्यांना देणार आहोत. रुपेशजी हरड यांचा शुभ असते. अजून एक गिफ्ट टॅम्पर. सुनीलजी गोरे यांच्याकडून देण्यात येणारा अजून एक गिफ्ट टॅम्पर. सनी नाईक यांच्याकडून देण्यात येणारा, मुशीर नाचन यांच्याकडून देण्यात येणारा हे एक गिफ्ट टॅम्पर. विपुलजी पाटील यांचा शुभ असते. आता अजून एक पारितोषिक. त्याचप्रमाणे सर्वेशजी चौधरी आता पुढे येतील आणि तुम्हाला अजून एक पारितोषिक देत आहेत. त्याचप्रमाणे किशोरजी वाकडे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचं शुभ असते सुद्धा एक पारितोषिक आहे. परत एकदा भरपूर बक्षीस आहेत. म्हणजे माणसाला एवढे बक्षीस लग्नाच्या रिसेप्शन नंतर बाली ट्रॉफी मध्येच भेटू शकतात तेवढं मात्र खरं आहे. आणि आपका कहना है की दुसरी शादी. सिद्दीक भाई, मी असे काही विधान आज करू इच्छित नाही आहे. विवादास्पद विधान आहेत, कुठेतरी माझ्यावर केस दाखल होईल. तर मी परत एकदा आता दीपकजी मडवी यांना विनंती करणार आहे. त्यांच्या शुभ असते. हे फळं ते त्यांना देत आहेत. फळं खा, फळाहार करा आणि चांगलं खेळा. निहाल भाई यांच्याकडून अजून एक गिफ्ट टॅम्पर. युतिकाचे सर्वे सर्वा भरतजी पाटील यांचा शुभ असते. अजून एक पारितोषिक आहे. राम सोरे साहेब यांच्याकडून विक्रम क्लासिक टी नाना पाटेकरचा फोटो आहे. कडक पण जरुरी आहे. त्याचप्रमाणे रुपेशजी हरड यांचा शुभ असते. अजून एक पारितोषिक. आणि जफर पटेल यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला
सुनील गोरे साहब अजून एक पारितोषिक तुम्हाला देत आहेत। आता भरतजी पाटील आणि निहाल भाई यांनी थांबायचं आहे, इतर सर्व पाहुण्यांनी मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। खूप खूप आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। आइए, युतिका के कर्ता धरता और बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी उद्योगपति हैं और हमारे नियाल शेख आपके हमारे सबके, आइए उनके हाथ से ये आपके चमचमाते परफॉर्मेंस के लिए चांदी का सिक्का हम दे रहे हैं। रोलेक्स मेडिकेयर की देन। फाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांचे आभारी आहोत। ठाणे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीणचे अध्यक्ष ध्यानंद सोरगे आणि विलास सोरगे यांच्याकडून देण्यात येणारा हे चषक, विराज यांच्याकडून देण्यात येणारा हे पारितोषिक तुम्ही घेत आहात, अभिनंदन आहे। संतोषजी मडवी, धन्यवाद सर। भरतजी आपला खूप खूप आभार आहे। संतोष ये बताइए कि बाली का बैक टू बैक दूसरा मैन ऑफ द मैच किसी माइल स्टोल से कम नहीं। दूसरी बात है कि सब इनामत दोनों भाई लेंगे या एनआर के और खिलाड़ी के हिस्से में भी कुछ रहेगा? जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो लेगा। यस, आज भी मैन ऑफ द मैच पाकर दोनों हाथों में लड्डू पाकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही। आज ऐसा लगा कि एनआर वो टीम है जो चैंपियन बन के पिछले साल 3 कप जीती थी? जी हाँ। संतोष सर्वप्रथम तुझा अभिनंदन। या स्पर्धे मध्ये मी बघितलं संदीप नाईक आला मैन ऑफ द मैच घेऊन गेला, त्यानंतर मोनिश बोईर आला मॅन ऑफ द मॅच घेऊन गेला, आता तू आलाय आणि तू मॅन ऑफ द मॅच घेऊन जातो आहे। म्हणजे जे जुने ओल्ड इज गोल्ड जे आपण म्हणतो, जुनं ते सोनं, तर कुठेतरी हे पारितोषिक घेतल्यानंतर तुला स्वतःला खूप समाधान वाटत असेल? नक्कीच। आणि एवढी वर्ष मध्ये तू क्रिकेट खेळला नाही, परत आता कमबॅक केला आहे आणि आज जे परफॉर्मन्स झाला, म्हणजे जेव्हा एक ऑलमोस्ट मेडन षटक होतं, एकच धाव आली, तर त्यावेळेला कुठेतरी असं वाटलं होतं की हा सामना आपल्या हातातून निसटतोय? साहेबने बच्ची अच्छी गेंदबाजी की थी और उस ओवर में लग रहा था कि हमारे हाथ से मैच जा रहा है। संतोष एक शेवटचा प्रश्न। संतोष मडवी ऑलराउंडर आहे, बॅट्समन आहे, बोल्डर आहे, फिल्डर आहे, मला असं वाटतंय पुढच्या एक वर्षामध्ये संदीप मडवीला पण तू बोलर करणार आहेस का? हो नक्की, प्रयत्न चालू आहेत। खूप खूप धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा देखता हूँ ये वो खिलाड़ी है, गोल्डन सिक्स लगा था अंजुमन ट्रॉफी में, सराहने की थी इंडियन की गेंदबाजी की, हालांकि गोल्डन सिक्स इन्होंने लगाया, साहब की सराहना की, ये रहते बड़े खिलाड़ी। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए दोस्तों, मैं सिद्दीक भाबे साथ हरीश पंड्या के आपको लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर शाहिद खान और मजहर खान तैयार हैं।